السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. जितने लोग कमेटी के हैं, जो लोग टाई लगा के इधर उधर घूम रहे हैं, वो लोग सामने बैठे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ के साथ पूरे सामयिक की आवाज़ निकलेगी। तो कोशिश ये रहे कि कमेटी वाले करीब रहें, जिनको आना है वो आएंगे, जिनको बैठना है वो बैठेंगे। आप लोग टेंशन ना लें, जलसा आपका शुभ हो। हाँ, और अख्तर सैफी वो इंसान है कि अगर आपने साथ दिया तो पूरी रात अकेला पढ़ सकता हूँ। जी जी, सुभान अल्लाह। मैं नाथ का खूबसूरत मतला रहा हूँ। भाई पीछे लोग भी खड़े हैं, अगर वो बिला लेकर खड़े हैं तो कुर्सी यहाँ पे बिला वजह आपका इंतजार करते हैं। शुरू होता हूँ, चूँकि सरजमीन उड़ीसा है और मिस्री महल्ला पहली हाजिरी फिरोज बरकाती साहब की महाकमत सराखों पर हजरत जलसा सदारत अलहाज मौलाना मुख्तार आलम रिजवी साहब की विरासत की आमद आमद है। नकीब इजलास हजरत मौलाना आलमगीर साहब की विरासत में मेरे नाज पे हैं, आपके इमाम भी हैं और बहुत सारे और वहाँ तशरीफ रखते हैं। मतलब सुनेंगे आप, यकीन मानिए प्योर सुन्नी नेटवर्क लाइव चल रहा है और मैं हकीकत बता रहा हूँ। पढ़ तो उड़ीसा में रहा हूँ, कुवैत में मेरा एक चाहने वाला है, वहाँ भी देख रहा है। तो एक मतला सुनिएगा आप। कि कोई मेराज में जाता है चाचा आता है, कोई मेराज में जाता है चाचा आता है। ये रदीफ है, पहली बार उड़ीसा में पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कोई मेराज में जाता है चला आता है, कोई मेराज में जाता है चला आता है, कोई मेराज दफन होती हूँ भी रोती हूँ भी हर बच्ची की, दफन होती हूँ भी रोती हूँ भी हर बच्ची के, दफन होती हर बच्ची की।
नारे रिसालत जश्न ईद मिलाद उन नबी कौन तकदीर यतीमों को खुश कर दे, है ना, मुस्कुरा के कहे कौन तकदीर जगाता है चलाता है, कौन तकदीर जगाता है चलाता है। अब एक शेर सुनेंगे कि ये तो खादिम को बोला तरफ मेरे आमाल लिए जाते हैं दोज़ख़ की तरफ।